हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी शेयर के रिगार्डिंग, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस डे की क्लोजिंग है 2 रुपीज़ 90 पैसे की है, और आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पे 3 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, जो कि अपर सर्किट लगना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 डेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव शो हो रहा है, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट हमारी नेगेटिव थी। 1 मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 22% का पॉजिटिव मूव कंपनी ने दिया है, जो कि अगर यहाँ तक की बात करें तो लगभग ये हमारा 30 से 35% का पॉजिटिव मूव था। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मूव होता है, अगर 1 महीने में आपको एज अ इन्वेस्टर 30% का भी रिटर्न मिलता है तो बहुत अच्छा इसमें हम लोग मान सकते हैं, राइट। बात करते हैं अगर 6 मंथ के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली पेन स्टॉक है तो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बट हाँ आप देख सकते हैं 5 ईयर के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा डाउन है। बट हम बात करेंगे 1 डे के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ये देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट बीएससी की, bseindia.com, और आज का यहाँ पे अगर आप डेटा चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज की जो ट्रेडेड की गई थी वो की गई थी 1,09,448, और डिलीवरेबल क्वांटिटी आप देख सकते हैं डिक्टो सेम है, 1,09,448 का है। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड वो है हमारा 100%, तो 100% है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हमारे लिए बुलिश मोमेंटम हो सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि हम क्या इस पॉइंट पे हम लोग बाय कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने लिया है उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ प्राइस एक्शन की बात करते हैं। 290 लो गया था और हाई गया था 3। यहाँ पे वीकनेसेस की बात करूँ तो वीकनेसेस हमारे 10 है। आई नो वीकनेसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वीकनेसेस, स्ट्रेंथ 2 है, और लेकिन हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो रिस्क पर ले ही सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हमारा 1 है, राइट। स्मॉल एसएल के साथ हम आप रिस्क ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, एंड मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन का फॉर्मेट दिखाती हूँ। पहले ना ये मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन जा रही थी, ये देखिए इस टाइप से मार्केट डाउन जा रही थी। डाउन जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक एक, ये देखिए काफ़ी टाइम तक यहाँ पे एक अच्छा खासा पोर्शन हमें देखने को मिला है, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव लिया, राइट। जब मार्केट ने ये वाला मूव तो फ्लैट है, मतलब बिना रुके ही डाउन साइड है, और ये वाला मूव जब अपसाइड का गया उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और इस वाले पॉइंट से मार्केट यहाँ पे गिरी, और गिरने के बाद 50% की मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। आप चेकआउट भी कर सकते हैं, 50% की रिट्रेसमेंट ली है। 50% की रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। जब मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव देती है तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे भी आप लोग बाय करते हैं तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो स्मॉल है, आई नो यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 3 रुपये 25 पैसे का, और हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा 2-3 रुपये 80 पैसे तक का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं मिल सकता, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए थोड़ा सा फिर फ्लैट करे, मतलब इस टाइप से हमें अगर ये वाला रेजिस्टेंस 2 से 3 बार टच कर गया तो ये रेजिस्टेंस हमारा आराम से ब्रेक हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा 3 रुपये 80 पैसा फ्लैट भी जा सकता है। जैसे यहाँ से ऐसे भी इस टाइप से हमारा भी जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसका जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी सारे इसकी ना वीकनेसेस है ना वो ज़्यादा है और स्ट्रेंथ कम है, इसकी वजह से मैं आपको कह रही हूँ अगर जाएगा भी तो थोड़ा थोड़ा स्लो जाएगा इस टाइप से मूव, ये हमारा जा सकता है इस तरीके से। हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद एक और रिट्रेसमेंट ले, तो इस टाइप से मूव हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री भी लेते हैं तो नीचे का एसएल यहाँ पे लगा के बिल्कुल जस्ट स्मॉल एसएल रहेगा हमारा, और काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। और ज़्यादा टारगेट मैं आपको नहीं रिकमेंड कर रही क्योंकि थोड़ा सा वीक है ये, मतलब कि तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ओनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है हमें। फर्स्ट टारगेट हमारा बेसिकली यही रहेगा 3 रुपये 25 पैसे का, सेकेंड टारगेट रहेगा 3 रुपये 80 पैसे का। जो लोग फ्लैट है तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, वो चाहें तो यहाँ पर भी एग्जिट हो सकते हैं, और कुछ लोग वेट करना चाहें तो यहाँ से वेट करके यहाँ तक का भी वेट आउट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क झेल सकते हो उसके अकॉर्डिंग, राइट। अगर हमें थोड़ा सा रिस्क है और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं 1 डे का, तो आज का देखेंगे 41 लाख का हमारा वॉल्यूम है, एंड ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है सिंटेक्स प्लास्टिक के अंदर। अभी देखेंगे 9 नवंबर का अपडेट है, 9 नवंबर 2022 का अपडेट है, जिसका सेल्स है 274.65 का सेल्स है, और अब आपकी बात करें तो 11.73 का यहाँ पे अब मोमेंटम हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मूव हमें एक्सपेक्टेड है देखना,
क्योंकि कभी भी अगर किसी शेयर का जो रिजल्ट आता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं हमें एक उसमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ इस टाइप से। ये देखिए, यहाँ से अगर मार्केट ने यहाँ पे एक मतलब यहाँ से अगर मार्केट को रिजेक्शन नहीं मिला और डायरेक्टली फ्लैट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फ्लो फ्लो में पूरा का पूरा हमारा टारगेट भी दे सकता है। अगर यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन मिला तो हो सकता है अगेन इसके 50% तक मार्केट आके फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें दे सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ऐसा लगा कि आप आराम से 3-4 दिन तक वेट करो कैसा मार्केट का मूव रहता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिस्क मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है तो प्रीवियस डे का जो लो रहता है, प्रीवियस डे का लो, उसके एसएल लगा के आप यहाँ पे रख सकते हो, जिसकी वजह से ट्रेलिंग एसएल भी हिट होता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाइंग देख सकते हैं, 86% की यहाँ पे बाइंग है, 14% की सेल है, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मूव हमें मतलब बाइंग साइड का अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और अगेन मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल दिखा देती हूँ, क्या इसका हमारा फंडामेंटल रहता है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन है 276, करंट प्राइस है 4.45, हाई गया 20.4, लो गया 4.27, और फेस वैल्यू है इसका 1। आरओई देखेंगे तो -36.0%, आरओसीई है 2.73। बात करते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, तो ये जो कंपनी है वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है 1931 मैन प्राइमरी इंगेज, जो कि है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ टेक्सटाइल एंड यार्ड, टेक्सटाइल में डील करती है, टेक्सटाइल हो गया यार्ड्स वगैरह, यार्न्स वगैरह में कंपनी डीलिंग करती है, जो कि सिचुएटेड एट अ कलोल एंड गुजरात एंड इट्स यार्ड डिवीजन सिचुएशन अमरेली गुजरात, गुजरात में भी मतलब तो गुजरात में है इसका, और गुजरात के साइड से ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यार्ड वगैरह का सीन रहता है। तो अभी यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सो हम लोग वेट आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा डाउन में है और यहाँ से अगर एक रिवर्सल हमें दिख रहा है तो एक स्मॉल एसएल के साथ हम लोग रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी, और ये हमारे स्कैल्प ट्रेड हो सकता है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हमें दे सकता है। बात करते हैं प्रॉस की, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ 0.33 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कॉन्स देख सकते हैं, कॉन्स थोड़े से इसमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमें लॉन्ग टाइम तक के लिए हम प्रेफर नहीं करेंगे स्मॉल, क्योंकि क्वार्टरली का इसका रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है, जिसके बेस पे हम एक स्विंग ट्रेडिंग इजीली हम लोग ले सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नीचे है और वहाँ से आप सर्किट लगाए तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। राइट, मैं आपको दिखा देती हूँ वहाँ पे अगेन, ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउन मोमेंटम है, फिर ऊपर तक गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया और फिर एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूव हमें मिलना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे प्रॉस की, तो कहीं प्रॉफिट लॉस की, तो आई नो कंपनी थोड़ा सा यहाँ पे अभी फिलहाल में तो लॉस में शो कर रही है। बात करते हैं डायरेक्ट हम बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में देखेंगे तो शेयर कैपिटल जो है उसका 60 है, रिजर्वेशन की बात करें तो पहले से कम हुआ है रिजर्वेशन, बोरोइंग्स भी बढ़ गई है, और तो मतलब फंडामेंटल थोड़ा सा हमें वीक शो है, सिर्फ इसमें एक पॉजिटिव ये है कि इसके क्वार्टरली का जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे वो थोड़ा सा पॉजिटिव शो रहा है, अदरवाइज थोड़ा सा वीक है, तो हम लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो प्रमोटर का पैसा भी कम लगा हुआ है, देख सकते हैं 4.53 पैसे, एंड पब्लिक का भी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही लगा हुआ है, और बाकी FIIDA का भी बहुत कम लगा हुआ है, 95.16 पूरा का पूरा पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, तो एक हम सब स्विंग ले सकते हैं और जो भी हमें थोड़ा बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा हम लेके एग्जिट हो जाएंगे। राइट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पहले से बेल आइकन दिया होगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, जिससे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एंड आप जानते हैं कि NSE BSE में बहुत सारे स्टॉक है, लगभग थाउजेंड्स में स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड है, तो सभी स्टॉक्स हमें प्रॉफिट नहीं देते, आप जानते हैं कि 1% ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि हमें अगर सही टाइम पे हम एंट्री ले तो हमें उसमें अच्छे खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आपको मतलब प्रॉफिटेबल स्टॉक्स चाहिए और बिल्कुल सही टाइम पे आपको एंट्री और सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाए कि कब इसमें अपर सर्किट लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग, तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ये सब चीज़ें जानना है तो आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में प्यारा सा बेल आइकन दिया होगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, अब मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी शेयर के रिगार्डिंग आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए या फिर कोई भी क्वायरी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।